क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक चलती हुई एम्बुलेंस जैसे जैसे आपकी ओर बढ़ती है उसके सायरन की पिच बदलती हुई प्रतीत होती है? वास्तव में सायरन की पिच में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप जो अनुभव करते हैं वो एक परसीव्ड साउंड शिफ्ट है जिसे डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन के कारण वेव यानी तरंग की फ्रीक्वेंसी में महसूस होने वाले परिवर्तन को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट किसी भी वेव प्रोड्यूस करने वाले सोर्स में हो सकता है, तालाब के पानी में चलते हुए, किसी कीड़े द्वारा बनने वाली वेव्स में, या फिर किसी चलती हुई एम्बुलेंस की साउंड वेव्स में। जब कोई वेव प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट या ऑब्जर्वर की तरफ आता है या उससे दूर जाता है तो डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट के सामने वाली वेव्स कंप्रेस हो जाती हैं और उसके पीछे की वेव्स फैल जाती हैं। यहां पर डॉपलर इफेक्ट चलती हुई एम्बुलेंस के सायरन से उत्पन्न होने वाले साउंड से संबंधित है। रुकी हुई एम्बुलेंस के सायरन की पिच स्थिर होती है। इस समय सायरन की साउंड वेव्स सभी तरफ एक समान है। जब एम्बुलेंस आगे बढ़ती है तब भी यूनिफॉर्म साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसके आगे की ओर साउंड वेव्स कंप्रेस होने लगती हैं, जिससे वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसलिए किसी ऑब्जर्वर की ओर आती हुई एम्बुलेंस के सायरन की साउंड उसे हाई पिच पर सुनाई देगी। जैसे ही एम्बुलेंस पास से होकर दूर जाती है तो सायरन की साउंड वेव्स फैलने लगती है। इस तरह वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और ऑब्जर्वर को उसकी आवाज पहले के मुकाबले एक लोअर पिच पर सुनाई देती है। तो यही वजह है जब एक एम्बुलेंस किसी ऑब्जर्वर के पास आकर दूर जाती है तो उसे सायरन की साउंड की पिच हाई से लो होती हुई सुनाई देती है।